फिरोजाबाद के थाना फरिहा क्षेत्र के फाजिलपुर जरेला में गांव के पड़ोसी युवक के साथ शादी में गई महिला का शव आज पेड़ पर लटका मिला है। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले, थाना फरिहा क्षेत्र के फाजिलपुर जरेला निवासी 35 वर्षीय गिरजा पत्नी रामवीर दिव्यांग थी। उसका पति रामवीर भिवाड़ी हरियाणा में नौकरी करता है। 23 अप्रैल को वो गाँव के ही मोहरमन यादव के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। उसके बाद से ही वापस लौट कर नहीं आई। पारिवारिक जनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर भी दी। महिला का शव पिपरी गांव में पेड़ से लटका हुआ मिला है। महिला के मायका नगला डूंगर से पहुंचे मायका पक्ष ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और उसके शव को पेड़ पर लटकाया गया। आरोपी ने उसके चेहरे को भी खराब कर दिया था जिससे कोई उसकी पहचान न कर सके। पुलिस ने शव को PM के लिए भिजवाया है। वहीं इंस्पेक्टर फरिया बैजनाथ सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।